नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल सुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में अपनी जमीन का हम नक्शा कैसे देखें, जमीन का जो नक्शा होता है दोस्तों उसको हम कैसे चेक करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले हम हमेशा की तरह टाइप करेंगे बिहार भूमि। दोस्तों, बिहार भूमि टाइप करने के बाद के ब्राउजर पे जो बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.bihar.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इसको क्लिक करते ही आपके पास ये जो बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगी। इस पे जो ये भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ये साइट है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें देखिए भू नक्शा, MIS रिपोर्ट, ये सब ऊपर जो पॉपअप्स हैं इसमें आपको भू नक्शा पे क्लिक करना है। दोस्तों, भू नक्शा पे क्लिक करते ही आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। दोस्तों, इसमें आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी जिला दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि आगे आपको फिर से ये काम दोबारा करना है। दोस्तों, जब ये हमारे मेन पेज पे जाएगा जहाँ पे हम नक्शा चेक करते हैं तो आपको फिर से जिला सेलेक्ट करना ही है, तो इसमें आप कोई भी जिला सेलेक्ट करके जल्दी से आगे बढ़िएगा। दोस्तों, बिहार में अभी सभी जिलों का नक्शा अपडेट नहीं हुआ है, पर जिन जिलों का अपडेट हुआ है उसको देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप जिला सेलेक्ट करेंगे, जो आपका अपना जिला है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप भागलपुर से हैं तो आपने भागलपुर सेलेक्ट कर। दोस्तों, देखिए नीचे जो सब डिवीजन है इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और दोस्तों ये मोबाइल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी आसानी होगी। मोबाइल में आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका जो जिला है, आपका जो जमीन है उसका नक्शा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक, ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ये वक्त ले रहा है। दोस्तों, ये अभी अपडेट हो गया सब डिवीजन। सब डिवीजन कहलगांव, नवगछिया और भागलपुर तीन है। तो मान लीजिए आपने भागलपुर सेलेक्ट कर लिया। भागलपुर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो सर्कल है वो अपडेट होगा। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है इसमें थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए सर्कल, आपको इसमें से जो भी आपका सर्कल है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सर्कल सुल्तानगंज है तो आपने सुल्तानगंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो देखिए मौजा है, ये मौजा भी अभी अपडेट होगा। दोस्तों, जो सुल्तानगंज के जितने भी मौजे हैं यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों, ये मौजा सेलेक्ट करते ही आपके पास सारे मौजे लिस्ट वाइज यहाँ पे आ जाएंगे। आपका जो मौजा है, आपका मौजा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपका जो ये पॉपअप है इस पे आप क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, ये देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें सर्वे टाइप नल, मैप इंस्टेंस नल, सीट नंबर नल, यानी कि दोस्तों भागलपुर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि भागलपुर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है जो नक्शा है। तो दोस्तों, हम चेक करेंगे अभी नालंदा का, जिनमें नल आता है दोस्तों समझिए कि अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। वो वेबसाइट पे उसको चढ़ा दिया गया है बट अपडेट नहीं हुआ है। अब यहाँ इतना करने के बाद ही हम चेक कर सकते हैं कि इसका, देखिए दोस्तों स्पेशल सर्वे मैप इंस्टेंस फर्स्ट मैप सीट नंबर 700 आ गया। दोस्तों, इसमें डिस्ट्रिक्ट नालंदा, सब डिविजन बिहार शरीफ, सर्किल जो आपका होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे, मौजा आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेशल सर्वे है वो, फिर आपको जो ये बताया पापा उसमें क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, इसका भी अपडेट नहीं हुआ है अभी, इसमें देखिए नल आ रहा है। दोस्तों, मैंने ये रैंडम रैंडम चूज किया है, इसलिए इसमें मैं ये नहीं कि हमेशा पहले से ही पता करके रखा हूँ कि हाँ कौन सा अपडेट हुआ है कौन सा अपडेट नहीं हुआ। मैं आपको पूरा बताऊंगा क्लियर कि हाँ इसका अपडेट है तो है। देखिए दोस्तों, जिला पश्चिम चंपारण अनुमंडल दो नरकटियागंज अंचल लोरिया मौजा 0764 बंगलोचना, तो इसका अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, इसको हम जूम करते हैं।
जूम करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये नक्शा है। अब दोस्तों आपका जो प्लॉट नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको मेरा प्लॉट नंबर कौन सा है। मान लीजिए कि हम जो ये 154 नंबर प्लॉट है इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद हम एलपीएम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे जो कि दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा हमारे पास। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आयत का नाम सुशील कुमार, पिताजी का नाम सुरेंद्र शाह, जाति का नाम कलवार, पता मटियाड़िया, भूमि का वर्गीकरण कृषि विभाग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी कि दोस्तों चौहत्ती अपडेट है, खाता संख्या अपडेट है, खेसरा संख्या वही प्लॉट संख्या अपडेट है, डिसमिल पूरा कितना ये एरिया है ये अपडेट है दोस्तों, और ये हाउस का नक्शा ये। तो दोस्तों इसको आप अगर आपका जमीन इस तरीके से है तो इसे आप प्लॉट इसे आप पीडीएफ में अपने पास सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देने में खुशी मिले। धन्यवाद दोस्तों, और मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देखें जरूर, उसमें आपके लिए बहुत सारी अच्छी जानकारियां हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।